अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो के साथ माइकल क्रेमर को मिला। वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक शोध के लिए दिया गया पुरस्कार। प्रदेश सरकार ने गौशाला में नियमितता पाए जाने पर महाराजगंज के डीएम अमरनाथ उपाध्याय समेत 5 अधिकारियों को किया निलंबित। निर्देशों के बावजूद गौसदन की भूमि लीज पर देने का आरोप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए किसानों से की अपील। कहा, पराली जलाने से न केवल फैलता है वायु प्रदूषण बल्कि खत्म होता है मिट्टी का पोषक तत्व। और अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम और विवादित स्थल पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने की संभावना के चलते कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन मुस्तैद। नमस्कार, मैं हूं समरीन सिद्दीकी और अब समाचार विस्तार से। 2019 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी फ्रांस के अर्थशास्त्री एस्थर डुफ्लो और अर्थशास्त्री की माइकल क्रेमर को दिया गया है। वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए उन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोबेल पुरस्कार विजेताओं को ट्वीट कर बधाई दी है। पीएम ने कहा है कि अभिजीत बनर्जी को 2019 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिलने पर शुभकामनाएं। उन्होंने गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को भी प्रतिष्ठित नोबेल मिलने पर बधाई। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार के संयुक्त विजेता भारतीय मूल के अर्थशास्त्री श्री अभिजीत बनर्जी को हार्दिक बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि श्री अभिजीत बनर्जी ने वैश्विक स्तर पर गरीबी से लड़ने की दिशा में जो कार्य किया है वो सराहनीय है। श्री बनर्जी तथा उनके साथी शोधकर्ताओं द्वारा सुझाए गए निष्कर्ष गरीबी से लड़ने में काफी उपयोगी सिद्ध हुए हैं। श्री बनर्जी के शोध के निष्कर्षों को अपनाने से गरीबों की स्थिति को सुधारते हुए उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। और प्रदेश सरकार ने कल बड़ी कार्रवाई करते हुए निचलौल तहसील की गौशाला में अनियमितता पाए जाने पर महाराजगंज के डीएम अमरनाथ उपाध्याय समेत 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मुख्य सचिव आर के तिवारी ने बताया कि जनपद महाराजगंज के निचलौल तहसील के मधवलिया गोसदन में निराश्रित गौवंश के रखरखाव में लापरवाही की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। शासन ने अपर आयुक्त प्रशासनिक गोरखपुर मंडल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जिसने इस पूरे मामले की जांच की। जांच में गौवंश की संख्या में काफी अनियमितताएं प्राप्त हुईं। सरकारी कागजात में कुल 2500 गौवंश होने की बात कही गई थी लेकिन मौके पर 954 गौवंश प्राप्त हुए। इसके अलावा गोसदन की 500 एकड़ भूमि में से अधिकारियों द्वारा गैरकानूनी तरीके से 328 एकड़ भूमि को कृषकों, फर्म व अन्य व्यक्तियों को दिए जाने का प्रकरण भी सामने आया है। मुख्य सचिव ने कहा है कि अपर आयुक्त प्रशासनिक की अध्यक्षता में नियुक्त समिति द्वारा की गई जांच में आरोपी अधिकारी संतोषजनक उत्तर भी नहीं दे पाए। जांच में पाया गया कि चारे एवं गौवंश के रखरखाव के नाम पर शासकीय धनराशि का दुरुपयोग करने के लिए जानबूझकर गौवंश की संख्या अधिक दर्शाई गई थी जो वित्तीय अनियमितता का भी प्रकरण है। जिला गोसदन मधवलिया महाराजगंज की प्रबंध कारिणी में जिलाधिकारी महाराजगंज अध्यक्ष हैं और उप जिलाधिकारी निचलौल सदस्य हैं। इसके अलावा उसमें उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी निचलौल व सदस्य और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महाराजगंज सदस्य सचिव हैं। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि ये इन अनियमितताओं को नहीं होने देते। शासन की गोवंश के संरक्षण के प्रति उच्च प्राथमिकता है। स्वच्छ प्रशासन के प्रति उच्च प्राथमिकता है। इस गंभीर अनियमितता को देखते हुए शासन ने प्रारंभिक जांच के उपरांत गंभीर अनियमितताओं के लिए वहां के जिलाधिकारी महाराजगंज श्री अमरनाथ उपाध्याय को
तत्कालीन उपजिलाधिकारी निचलौल श्री देवेंद्र कुमार को, वर्तमान उपजिलाधिकारी श्री सत्या मिश्रा को, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महाराजगंज डॉक्टर राजीव उपाध्याय को और उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी निचलौल डॉक्टर वी के मौर्या को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए उन्हें तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से अपील की है कि वो फसल काटने के बाद उसके अपशिष्ट यानी पराली को खेत में न जलाएं। पराली जलाने से भूसे के रूप में आप न केवल बेजुबान जानवरों का हक मारते हैं, बल्कि पराली के साथ ही मिट्टी में मौजूद करोड़ों की संख्या में मित्र बैक्टीरिया और फफूंद जल जाते हैं। इस तरह से इससे पर्यावरण और खेत की उर्वरा शक्ति को स्थायी क्षति पहुंचती है। संबंधित विभाग मिलकर किसानों की इस बाबत जागरूक करें, किसानों में इस तकनीक को लोकप्रिय करें, जिससे पराली जलाने की जगह आसानी से उसको जैविक खाद में बदला जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को यहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण भारत की परंपरा रही है, लिहाजा हम ही इसका नेतृत्व भी कर सकते हैं। प्रकृति की जरूरत से अधिक दोहन होने पर हम खुद प्रकृति के कोप के शिकार हो जाएंगे। हाल के वर्षों में ये हुआ भी है। यही वजह है कि पर्यावरण प्रदूषण गंभीर वैश्विक समस्या बनकर उभरा है। प्रकृति से प्रेम और तकनीक पर अमल से इस गंभीर समस्या से पार पाया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि वायु प्रदूषण आज एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। 2015 में यूएन ने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए जो 16-17 गोल्स तय किए हैं, उसमें भी इस वैश्विक समस्या को लेकर के भारी चिंता व्यक्त की है। और मुझे लगता है कि इस वैश्विक समस्या के समाधान का मार्ग दुनिया के अंदर कहीं एक ओर से निकल सकता है, तो उसका सबसे सशक्त नेतृत्व भारत कर सकता है। इस देश के अंदर विभिन्न राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं, वे लोग मिलकर के एक ठोस रणनीति बना करके इस समस्या का मार्ग निकाल सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के सभी हिस्सों में पोस्टपेड मोबाइल फोन सेवा कल से दोबारा बहाल हो गई है। राज्य के लगभग 40 लाख पोस्टपेड मोबाइल धारकों के फोन एक बार फिर से शुरू हो गए। केंद्र सरकार द्वारा घाटी में पर्यटकों को आने की छूट देने के फैसले के कुछ दिन बाद राज्य प्रशासन की ओर से ये कदम उठाया गया है। घाटी में स्कूल और कॉलेज पहले ही खुल चुके हैं। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा खत्म किए जाने के बाद 5 अगस्त से वहां पाबंदियां लगा दी गई थीं। हालांकि घाटी में 17 अगस्त तक लैंडलाइन के आंशिक सेवा बहाल की गई थी और 4 सितंबर तक करीब 50,000 लैंडलाइन शुरू किए जाने की घोषणा की गई थी। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि नागरिक सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता थी, इसी के मद्देनजर कुछ एहतियातन कदम उठाए गए थे। उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही इंटरनेट सेवा भी बहाल होगी। टेलीफोन के जरिए ही टेररिज्म की एक्टिविटी बढ़ाई जाती है, मोबिलाइजेशन होता है, इंडोक्ट्रिनेशन होता है। हमारे लिए इन कश्मीरी भाई की जान जरूरी थी, टेलीफोन जरूरी नहीं था। और हमने कामयाबी के साथ सब लोगों की जान बचाई। अब खैर वो टेलीफोन भी खुल गया है, कारोबारी लोग भी आसानी से अपना अब काम कर सकते हैं, टूरिस्ट ने आना शुरू कर दिया है और अब कोई दिक्कत रहेगी नहीं। जल्दी इंटरनेट भी खुल जाएगा। जब तक इंटरनेट नहीं है, हमने इम्तहान वाले और बाकी जो लोग हैं उनके लिए सुविधाएं की हैं, कियोस्क खोले हैं, डीसी के यहाँ सुविधा दी है।
उच्चतम न्यायालय में अयोध्या मामले की सुनवाई अंतिम दौर में पहुंच गई है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन के मालिकाना हक को लेकर न्यायालय की संविधान पीठ ने 38वें दिन इस मामले की सुनवाई की। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस जटिल मुद्दे का सौहार्दपूर्ण हल निकालने के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया के नाकाम होने के बाद मामले में 6 अगस्त से रोजाना की कार्रवाई शुरू की थी। 17 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी करने की समय सीमा न्यायालय ने तय की है। और अयोध्या मामले पर हो रही आखिरी दौर की सुनवाई के मद्देनजर अयोध्या में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। वहां धारा 144 लागू की गई है, जो 10 दिसंबर तक लागू रहेगी। धारा 144 के तहत 4 या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक होती है और पुलिस के पास दंगा फैलाने के आरोप में मामला दर्ज करने का अधिकार होता है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कंपनी अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है ताकि ये दंडनात्मक ना लगे। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बड़े सुधारों की प्रक्रिया जारी रहेगी। दिल्ली में 3rd इंडिया एनर्जी फोरम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी में सुधार लाने की कोशिशें रंग ला रही हैं। इसके साथ ही सीतारमण ने कल सार्वजनिक बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात की। 1 महीने से भी कम समय में सार्वजनिक बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री ने ये दूसरी बैठक की है। बैठक में ऋण वितरण में प्रगति समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव के मामले में सरकार पैनी नजर बनाए रखे हुए है और जमाकर्ताओं का पैसा उन्हें वापस दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। और उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स को आधार से जोड़ने की मांग खारिज कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले पर मद्रास हाईकोर्ट पहले ही सुनवाई कर रहा है, ऐसे में दखल देने की जरूरत नहीं है। और मथुरा बांग्लादेशियों की बड़ी शरण स्थली के रूप में सामने आई है। अब तक 152 बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से रहते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तारी करीब 1.5 साल में हुई है। कोसी कला के पहले मथुरा टाउनशिप, बरारी, औरंगाबाद, सराय, आजमाबाद, लक्ष्मीनगर, कोसी कला, शेरगढ़, राया, सौंख रोड, पालीखेड़ा में झुग्गी झोपड़ी में ये बांग्लादेशी रह रहे थे। दीपावली त्यौहार से पहले मथुरा में बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। तलाशी में एक के पास से एक भारतीय पैन कार्ड, 600 रुपए, घड़ी और दूसरे के पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। SSP ने बताया कि दोनों के खिलाफ 14 विदेशी अधिनियम, 1946, धारा 420, 467, 468, 471 IPC में मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी में ये रहे शामिल लोग तो एक शेख और दिलीप मंडल नाम के दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए। इन्होंने पूछताछ के अंदर ही स्वीकारा है कि अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस करके आए थे और पिछले 4-5 महीने से यहाँ पे रह रहे थे। तोहिर शेख बेसिकली जिला जसर करके जो बांग्लादेश है, जो इसमें पूछताछ में बताया, वहाँ का रहने वाला है। दिलीप जिला शकीरा खुलना बांग्लादेश में, जहाँ पर उन्होंने बताया, उन चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं। दोनों के पास से पैन कार्ड जो है, एक पैन कार्ड मिला है और एक मोबाइल फ़ोन मिला हुआ है। इनके ऊपर अभियोग 14 विदेशी अधिनियम का और 420, 67, 68, 71 जो इन्होंने पैन कार्ड बनाए उसके संदर्भ में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इन्होंने ये बात स्वीकारी है कि इनके पास कोई वीज़ा, पासपोर्ट किसी भी तरीके का नहीं था। अवैध रूप से यहाँ पे पिछले 3-4 महीने से रह रहे थे और जो वहाँ पे कोसी का इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर पूरा दिन में इत्यादि का काम कर रहे थे। इन लोगों को पूछताछ की गई है, रिमांड पे लेके और पूछताछ। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा कार्तिक मास की शुरुआत पर 14 अक्टूबर को सायंकाल हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आकाश दीप कार्यक्रम को रखा गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वाराणसी जोन के DG पुलिस श्री ब्रजभूषण शरण पुष्पांजलि अर्पित करते हुए शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर 39 GTC जवानों के ने दिया। उनकी याद में हिंदू मान्यताओं के अनुसार उनकी आत्मा की शांति हेतु आकाश दीप का प्रज्वलन कर उनको बांस के खंभों पर स्थापित कर समर्पित किया गया। इस अवसर पर वाराणसी के गणमान्य नागरिक व अधिकारी मौजूद थे। वाराणसी के मेयर मृदुला जायसवाल भी इस कार्यक्रम में कार्यक्रम अध्यक्षता के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस आकाशदीप कार्यक्रम में
आर्म्ड फोर्स, वायुसेना, जल सेना, थल सेना, उत्तर प्रदेश पुलिस तथा कारगिल, पुलवामा व अन्य आतंकी घटनाओं में शहीद हुए लोगों की आत्मा को शांति हेतु अलग अलग आकाश दीप समर्पित किए गए। मेरठ के मोदीपुरम स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के प्रसार निदेशालय में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत गांव में खुले में शौच मुक्त ODF के स्थायित्व ODF प्लस के संबंध में सामाजिक व्यवहार परिवर्तन व संचार पर 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ जिलाधिकारी अनिल ढींगरा, मुख्य विकास अधिकारी ईशा दुहन, जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक सिन्हा ने किया। उन्होंने कहा कि मेरठ सहित प्रदेश खुले में शौचमुक्त हो चुका है, इसे हर हाल में बरकरार रखना चाहिए और साथ ही गांव को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत प्रदेश सरकार और यूनिसेफ की ओर से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में जनपद मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संबल, रामपुर, बदायूं के मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी समेत पंचायत राज विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। हमारा जनपद जो है लगभग 1.5 साल पहले ही हम लोगों ने ODF घोषित कर दिया था और अब जो है ODF प्लस की तरफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें बेसिकली हम लोग का जो मेन मकसद है वो ये कि जो विभिन्न प्रकार का जो कूड़ा हमारे गांव पंचायतों में है उसको कलेक्ट कराना, उसको अलग अलग करना और उसका प्रॉपर डिस्पोजल सुनिश्चित कराना है और यही कार्रवाई हम लोग करा रहे हैं। और इसी के संबंध में आज यूनिसेफ के द्वारा जो है इसमें कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 15 जिले के सभी मुख्य विकास अधिकारी, पंचायत राज अधिकारी हैं, जिसमें वो अपने अन्य जो प्रदेश हैं उनके राज्यों के जितना भी एक्सपीरियंस है और जो इनका अपना यूपी का एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे और किस तरीके से गीला कूड़ा है हमारा, सूखा कूड़ा है और ग्रे वाटर का है, ठीक है, उस तरीके से किस तरीके से डिस्पोजल हो सकता है और कैसे हम लोग इसको अपना ग्राम पंचायत का जो हमारा विकास की योजना बनती है GPDP प्लान उसमें कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, यही सब दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि सभी अधिकारियों का इससे मार्गदर्शन होगा और एक अच्छी कार्रवाई इसमें की जाएगी। आजमगढ़ में प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है। इस क्रम में आजमगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत विद्यालयों में बच्चों को हैंडवॉश कराते हुए बच्चों को स्वच्छता की शपथ दिलाने के साथ साबुन दान पेटिका में साबुन संग्रह कार्यक्रम संपन्न हुए। विश्व हाथ धुलाई दिवस पर प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को हाथ धुलने के विभिन्न तरीके बताए गए। बेसिक शिक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि कुछ बच्चे ऐसे परिवेश से आते हैं जिन्हें हाथ धुलाई का सही तरीका मालूम हो जाए तो विभिन्न प्रकार के रोगों से निवारण उनका स्वतः हो जाएगा, साथ ही संक्रमित रोगों से भी मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे परिवेश से आते हैं तो हाथ धुलाई अगर एक तो जो सही तरीका होता है हाथ धुलाई का, बच्चों को बता दिया जाए सही ढंग से हाथ धुलें, विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं उससे निवारण के लिए, उसकी रोकथाम के लिए उस लाभदायी होगा। विभिन्न प्रकार के कीटाणु जो हाथ में लगे रहते हैं उसके साथ खाना खाने से या किसी को छूने से वो सब समस्याएं हो सकती हैं, फैल सकते हैं। हाथ अगर सही ढंग से धुला जाए तो इन रोगों से बचा जा सकता है। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में लगे कालीन मेले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी की तरफ से लगाए गए स्टॉल पर नारियल के छिलके से निर्मित कागज व पर्दे की पट्टियों को प्रदर्शित किया गया। इन्हें नारियल के रेशे द्वारा तैयार किया गया था जो प्रकृति के रूप से लाभदायक है और इससे किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं फैलता। ये प्लास्टिक के स्थान पर पैकेजिंग से लेकर अन्य कारकों के लिए भी उपयोगी है। भविष्य में इसे प्लास्टिक की जगह बेहतर उपयोग में लाया जा सकता है। नारियल के छिलके से हम लोगों ने जो है ये क्यू लाइनर्स जो हो गए जो कि एयरपोर्ट वगैरह में आपका जो है सिंथेटिक या लाइलन के जो निर्मित आपके जो क्यू लाइनर जो बने रहते थे उसके ऑप्शन में हम लोगों ने नारियल के जो है छिलके से जो है ये क्यू लाइनर हम लोगों ने डेवलप किया है। विंडोज़ वगैरह में जो है वर्टिकल ब्लाइंड जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें जो है बेसिकली आपका पॉलिस्टर के रहते हैं और अदर फैब्रिक्स के जो रहते हैं जो कि सिंथेटिक होते हैं
तो ये क्यू लाइनर जो हम लोग एयरपोर्ट वगैरह में जो है हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसका ऑप्शनल में जो है हम लोगों ने ये क्यू लाइनर जो है हम लोग नेचुरल जो है क्यू लाइनर रिगार्डिंग आपको वायर से जो है निर्मित जो है ये हम लोगों ने डेवलप किया। और शारदीय नवरात्रि के साथ ही दीपावली को लेकर तैयारियां तेज हो जाती हैं। भले ही अभी दीपोत्सव में एक पखवाड़ा बचा है, पर कुम्हारों ने अपनी चाक की रफ्तार को तेज कर दिया है। श्रावस्ती जिले के भिनगा, इकोना, जमुनहा, सिरसिया सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में कुम्हारों की ओर से मिट्टी के दीये व खिलौने बनाए जा रहे हैं। बदलते समय की चकाचौंध में भले ही लोग इलेक्ट्रॉनिक झालर और मोमबत्ती से अपने घरों को सजाते हैं, लेकिन इसके बाद भी परंपराएं अभी भी जीवित दिखाई दे रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुम्हारों ने अपनी चाक की गति को तेज कर दिया है। थोक खरीदारों और ऑर्डर कुम्हारों को पहले ही मिल चुके हैं। प्लास्टिक पे अगर पाबंदी लग गई है तो बिकेगा दिया, कुछ जब ही बिकेगा। बात है कि अभी तो जैसे बंदी कर दिया है तो कुछ ना, अब बिकाने के ऊपर हमारा सबका भाव आगे बढ़ेगा। ये 35 रुपया 30 रुपया अगर भाव आगे बढ़ेगा तो हमको सबको कुछ लाभ होगा मेहनत से ना। और दीपावली आने में कुछ दिन शेष हैं। इन दिनों चित्रकूट जिले का प्रजापति समाज मिट्टी के दिए और गणेश लक्ष्मी की मूर्ति बनाने में जुटा है। हिंदू धर्मशास्त्रों में मिट्टी को पवित्र माना जाता है, इसलिए दीपावली के दिन मिट्टी के दिए जलाने और मिट्टी से बने गणेश लक्ष्मी की मूर्ति के पूजन का विशेष महत्व है। प्रकाश और ताराचंद प्रजापति ने बताया कि इन दिनों मिट्टी के दिए, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति और खिलौना बनाने का काम अच्छा चल रहा है। तैयार माल स्थानीय व्यापारियों के अलावा बांदा, सतना, जबलपुर, छतरपुर और नागपुर के व्यापारी खरीद रहे हैं। एक काम फिलहाल अच्छा चल रहा है, दिवाली का टाइम है, लक्ष्मी गणेश की पूजा होगी, वही सब में लगे हुए हैं सब कुम्हार बिरादरी के जितने हैं। और बाकी जो मिट्टी तो बहुत महंगी मिल रही है इतनी टाइम, मिट्टी तो कायदे से फ्री मिलनी चाहिए। एक खड़खड़ा मिट्टी अगर गिरा तो 1000 रुपये ले लेते हैं। अब यही चल रहा है कारोबार से, दुलिया सी मूर्ति परैया है, सकोरा है, दियाली है, करवा है और ढेड़िया है, ये बना रहे हैं। के काम किया तो पैसे का फायदा मिल जाता है कि बिक्री ठीक ठाक हो, जब माल बन जाएगा तो भी माल तो बिक जाता। वास्तव में यदि देखा जाए तो मिट्टी से निर्मित जो भी मूर्तियां हैं या दीपक हैं वो बहुत ही शुद्ध हैं, और बाकी अन्य पदार्थों से निर्मित अशुद्धता का प्रतीक हैं। और इसके साथ ही जो है मिट्टी से निर्मित दीपक और गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों से किसी भी प्रकार का प्रदूषण संभावित नहीं हो सकता। और आईसीसी की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है, जहां आईसीसी ने फैसला लिया है कि सेमीफाइनल और फाइनल मैच के नतीजों में तय करने के लिए बाउंड्री काउंट के नियम को समाप्त कर दिया गया है। आईसीसी ने इस नियम को खत्म करने के बाद ये तय किया है कि ऐसे मुकाबले में तब तक सुपर ओवर खेला जाएगा जब तक रनों के आधार पर पूरा फैसला नहीं आ जाता। क्रिकेट इतिहास के सबसे रोचक मुकाबलों में से एक रहे विश्व कप 2019 का फाइनल मुकाबला हर दम लोगों के जहन में ताजा रहेगा। इसलिए नहीं कि इंग्लैंड विश्व विजेता बनकर सामने आया, बल्कि इस वजह से कि महज ज्यादा बाउंड्री के चलते इंग्लैंड को जीत गिफ्ट में मिल गई, जिसके चलते क्रिकेट जगत में विवाद और इस नियम की आलोचना भी बढ़ चढ़कर हुई। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दबाव ही रहा कि आखिरकार आईसीसी ने सभी बड़े टूर्नामेंटों के लिए सुपर ओवर के नियमों में बदलाव का फैसला ले लिया। नए नियम के मुताबिक अगर सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में सुपर ओवर में भी दोनों टीमें बराबर रन बनाती हैं तो फिर से सुपर ओवर होगा, और सुपर ओवर तब तक होगा जब तक कोई एक टीम विजेता बनकर नहीं सामने आ जाती। हालांकि ग्रुप स्तर पर अगर सुपर ओवर के बाद भी मैच टाई रहता है तो उसे टाई ही माना जाएगा। आईसीसी की बोर्ड की बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया, आईसीसी क्रिकेट समिति, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की समिति की सिफारिश के बाद ये सहमति बनी कि सुपर ओवर का उपयोग आईसीसी के मैचों में जारी रहेगा। इसे तब तक किया जाएगा जब तक मैच का नतीजा नहीं निकल जाए। गौरतलब है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में दोनों टीमों ने एक समान 241 रन बनाए, जिसके बाद सुपर ओवर सामने आया। सुपर ओवर में भी दोनों टीमों ने 15-15 रन बनाए और मैच टाई रहा। इसके बाद ज्यादा बाउंड्री लगाने के चलते इंग्लैंड को विश्व विजेता घोषित कर दिया गया था।
कानपुर के महबूब मलिक सड़क के किनारे फुटपाथ पर चाय की दुकान चलाते हैं और वो खुद पूर्ण शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए और वो आज समाज में शिक्षा का अलग जगा कर नौनिहालों में शिक्षा का प्रकाश फैला रहे हैं। नाम मोहम्मद महबूब मलिक, शारदा नगर निवासी 29 वर्षीय महबूब मलिक ने 4 वर्ष पूर्व संकल्प लेकर समाज के गरीब बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। धीरे धीरे महबूब की शोहरत बढ़ती गई और बच्चों की संख्या भी बढ़ने लगी। महबूब ने एक हॉल किराए पर ले लिया। दरअसल महबूब की शिक्षा हाई स्कूल तक ही रही, उनकी आगे की शिक्षा धन अभाव के कारण नहीं हो सकी। इसलिए उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए कि कोई धन के अभाव में शिक्षा से वंचित न रह जाए। महबूब दिन भर अपनी छोटी सी दुकान पर चाय बेचते हैं और उस चाय से जो पैसे मिलते हैं उनसे वो अपने स्कूल में अध्यापकों को तनख्वाह और हॉल का किराया भी देते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ बच्चों को कॉपी, पेंसिल और सिलेबस इत्यादि भी मुफ्त में दिया जाता है। समय की माली हालत देख के मैं आगे नहीं बढ़ पाया कि शायद मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं आगे शिक्षा को ले जा सकूं। और फिर मैंने संकल्प लिया कि मैं नहीं पढ़ सका, मैं उन बच्चों को पढ़ाऊंगा जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, अच्छा शिक्षा से महरूम है। मैं अपनी चाय की दुकान से जितनी भी इनकम होती है मैं इन बच्चों के लिए लगाता हूँ, कॉपी किताबें, पेंसिल, ड्रेस। इस वक्त मैं पीजी से 4 तक स्कूल चला रहा हूँ जहाँ बहुत से बच्चे हैं और मुझसे शिक्षा पा रहे हैं। आज महबूब के विद्यालय में क्षेत्र के 40 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। कुछ शिक्षित लोग भी समय निकालकर बच्चों को पढ़ाते हैं। महबूब रोज सुबह चाय की दुकान खोलने के बाद विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं और विद्यालय बंद करने के बाद चाय की दुकान पर बैठते हैं। इस दौरान चाय की दुकान पर महबूब के पिता रहते हैं। फर्राटे से कविताएं सुनाते ये बच्चे भविष्य में कुछ बड़ा बनने का सपना देख रहे हैं। किसी ने सही कहा है, अगर आप कुछ कर गुजरने की ठान ले तो कोई मुश्किल आपकी राह में बाधा नहीं बन सकती। और इसे सच साबित किया है कानपुर के मोहम्मद महबूब मलिक ने। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो के साथ माइकल क्रेमर को मिला। वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक शोध के लिए दिया गया पुरस्कार। प्रदेश सरकार ने गौशाला में अनियमितता पाए जाने पर महाराजगंज के डीएम अमरनाथ उपाध्याय समेत 5 अधिकारियों को किया निलंबित। निर्देशों के बावजूद गौसदन की भूमि लीज पर देने का आरोप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए किसानों से की अपील। कहा, पराली जलाने से न केवल फैलता है वायु प्रदूषण बल्कि खत्म होता है मिट्टी के पोषक तत्व। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम और विवादित स्थल पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने की संभावना के चलते कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन मुस्तैद। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।